एक दफा फिर से हम सब की तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट पाट है। तो देखिए काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नया दिन नई वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देख रहे हैं। आज बना रहे हैं हम अच्छी सी फूलगोभी और बकरे का गोश्त बनाऊंगा। देखिये फूलगोभी सिस्टर ने अच्छी तरह जो है काट कर रख दी है, फूलगोभी के फूल अलादा कर लिए हैं और डंठल जो होते हैं वो अलादा से काटे हैं। हमेशा फूलगोभी इस तरह से काटी जाती है कि डंठल अलादा से काटे जाते हैं और फूलगोभी अलादा से काटी जाती है, क्योंकि डंठल थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। ये देखिए ये डंठल है, ये अलादा से काटे और फूलगोभी इधर अलादा से काट के रखी है। इस तरह से बड़े बड़े फूल काटे, छोटे फूल नहीं काटे। अभी इसको वॉश नहीं किया हुआ, इसको वॉश भी करूंगा। और आज हम बनाएंगे फूलगोभी और बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त हमने ले लिया है, ये फ्रोजन गोश्त है। देखिए इस तरह से तकरीबन एक किलो डेढ़ किलो गोश्त है बकरे का और फूलगोभी है। उसके अलावा सिस्टर ने प्याज छील कर चॉप करके रखी है, लहसुन छील कर रखा है, अदरक का टुकड़ा रखा है, हरी मिर्च को चॉप करके रखा है, टमाटरों का छिलका उतार के रखा है और बकरे का गोश्त है और इधर जो है गोभी के डंठल हैं। तो देखिये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। तो फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए करे। वीडियोज अगर हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड वगैरह से शेयर जरूर किया करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी का आवाज करते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैं गोश्त को गला लूंगा। गोभी को हम प्रेशर कुक नहीं करेंगे, गोश्त को तकरीबन में 90-80% गला लूंगा, क्योंकि गोभी तो बाप में ही गल जाएगी तो गोश्त इसमें फुल डन होना चाहिए। गोश्त को हम फुल डन कर लेंगे। प्रेशर कुकर का यूज सिर्फ हम गोश्त को गलाने के लिए कर रहे हैं कि गोश्त हमारा झटपट से गल जाए। तो देखिए पानी रख लिया मैंने, पानी चढ़ा लिया। जब तक पानी मेरा थोड़ा सा हीट अप होगा तब तक मैं दूसरे काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त डाल दूंगा। देखिए पानी मैंने इतना लिया है कि मुझे फुल डन करना है गोश्त को। गोभी जो है वो भाप में गल जाएगी, गोभी को हमें प्रेशर कुक नहीं करना, जैसे हम अरबी वगैरह को प्रेशर कुक कर लेते हैं, पर गोभी को उस तरह से नहीं करना। सारा डाल जी भाई। देखिए ये तकरीबन डेढ़ किलो गोश्त है बकरे का, इस तरह से गोश्त डाल दिया। अब डाल देंगे प्याज, प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया इस तरह से, और डाल देंगे हरी मिर्च, इस तरह से हरी मिर्च भी डाल दी। टमाटरों को चॉप कर लेता हूँ और अदरक को पीस कर डालूंगा। अदरक जो है फूलगोभी में जरूर डलती है, फूलगोभी में अदरक जरूर डाला करें, गोश्त और फूलगोभी दोनों में अदरक जरूर डलती है। अदरक को थोड़ा सा पीस लेंगे। इस तरह से किसी भी अदरक डाल दूंगा, किसी भी अदरक भी डाल दिए। अब टमाटर चॉप कर ले तो
था इसके टमाटर, ढाई टमाटर हैं, दो पूरे लिए और एक आधा टमाटर लिए, ये डाल देंगे इस तरह से। टमाटर डालने के बाद हमने इसे मसाले डाल दे तो फूलगोभी और आलू की डिश भी बहुत अच्छी बनती है, फूलगोभी और बकरे का गोश्त भी डाल के बनाए तो बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, और इसके अलावा फूलगोभी और मोटा गोश्त बनाए तब भी बहुत अच्छा बनता है। मेरी वालदा साहिबा फूलगोभी बहुत अच्छी बनाती हैं, आलू में भी अच्छा बनाती हैं और गोश्त में भी अच्छा बनाती हैं। तो देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं इस तरह से, सफेद जीरे का पाउडर डाल लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मैं ये सिनेमन स्टिक पाउडर डालूंगा, थोड़ी सी काली मिर्च बिल्कुल जरा सी डालूंगा, हल्दी पाउडर डालूंगा, हल्दी पाउडर जो है इसमें फूलगोभी में थोड़ी ज्यादा डलती है, और सूखा धनिया का पाउडर डालूंगा। मसालों का तनासुब आपकी अंडिया में ऐसा होना चाहिए कि ना अंडिया फीकी हो और ना अंडिया में मसाले तेज हो, ऐसा बैलेंस्ड मसाले डले हों अंडिया में कि खाने का भी मजा आ जाए, ना खाना ना फीका लगे ना बहुत ज्यादा मिर्च वाला लगे। अब सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी ये सूखी सब्जी यानी के बगैर ग्रेवी के बनेगी तो इस लिहाज से नमक डालते हैं। सब कुछ डालने के बाद अब आई बारी किस चीज की, कुकिंग ऑयल की, आप सोटेंगे बीच में कुकिंग ऑयल, वॉशिंग करना भी गैलन डालना इस तरह से, फिर से बता रहा हूँ गोश्त को मुझे फुल डन करना है, गोभी तो भाप में गल जाएगी ना, ठीक है। ठीक इन सब चीजों को ऊपर लिड लगा के प्रेशर कुकर की और प्रेशर कुकर देंगे, इसको तकरीबन हम करेंगे, मैंने पानी ज्यादा डाला है तो तकरीबन हम 10 मिनट इसको कुक करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि हमें गोश्त फुल डन चाहिए, फूल गोभी के लिए गोश्त फुल डन चाहिए यानी कि 100% गलावा चाहिए, जिसको हम भून लेंगे और फिर गोभी डाल के भूनेंगे और उसे फिर हम प्रेशर कुक कर देंगे, वो फिर हम नॉर्मल भाप में उसे पका लेंगे फिर डन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया और साथ में शाम हो गई है तो चाय रखते हैं। एकदम से इलायची नीचे क्यों होगी, डालते हैं ना चाय बनाते हैं। सबज इलायची का पाउडर डाल दिया चाय में, दूध भी रख लिया चाय के लिए, उसके अलावा गोभी गोश्त बोल के डालेंगे और समोसे आए हैं, समोसे गर्मा गर्म लाए हूँ,
शाम की चाय के साथ और सिस्टर का कुछ लेज और वेफर्स वगैरह। शाम की चाय पीते हैं, इसी तरह फिर वाली साहब आते हैं, उनके साथ करते हैं डिनर। हमारी नॉर्मली यही रोटी है ना। बस ये हो गया तो थोड़ा साइड पे करता हूँ, दूध को साइड पे करता हूँ, चाय बन जाएगी तो फिर दूध डालेंगे। तब तक मैं यहाँ से ले लेता हूँ कढ़ाई। अब इसका पानी खुश करेंगे और फिर गोश्त को भूनेंगे ना। का पानी जब तक खुश्क होता है तब तक फिर चाय में दूध डाल दें। इसका पानी कुछ हो जाए फिर वो नीले गोश्त को मूर्ति को भी डाल दिए। और साथ में समोसे साथ में
कुछ सिस्टर के मसाला लिए हैं, इनको प्लेटों में सर्व करेंगे साथ और दोंगे। चाय को उबाला है तो थोड़ी दम पे रखते हैं, इसका पानी खुश्क होगा तो गोश्त भुनेंगे और फिर डंठल वगैरह डालेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तब तक मैं फूल गोभी धो लेता हूँ, चाय पे नजर रखना स्वीट। ठीक, करके रख लिया, चाय में भी उबाला आ चुका है, चाय को दूसरा उबाला देंगे। सबसे पहले चाय डालेंगे पापा की, वाली साहब की, आपकी भी टीकी निकाली? नहीं भाई, आज मिट्टी निकाल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे चाय शक्कर में। शक्कर की चाय बहुत मजेदार होती है, जो लोग गांव के हैं देहात वगैरह के वो जानते होंगे, शक्कर की चाय बहुत टेस्टी बनती है। तो हम बहुत ज्यादा अच्छी शक्कर की चाय पीते हैं अक्सर। इस तरह से शक्कर डालेंगे, शक्कर बहुत ज्यादा नहीं डालते, थोड़ी सी डाली गई है। अब देखना चाय का, जब चाय में गाढ़ापन और आ जाएगा ना, थोड़ा शक्कर डाल के चाय को पकाएंगे अच्छे से। में गोश्त का पानी भी खुश्क हो रहा है। ये खाओ चाय, चाय भी डाल।
चाय फिर पापा की थाली दे। और चाय समोसी एंजॉयमेंट। देखिए पानी खुश्क हो चुका है, अब हम गोश्त को भून रहे हैं अच्छे से। गोश्त की बुनाई करेंगे, गोश्त और मसाला गट्ठे बुनेगा। ये देखिए कितनी अच्छी बोतल है माशाल्लाह, बकरी का गोश्त है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लजीज और टेस्टी। इसको मसाले को गोश्त को गट्ठा भून रहे, जब तक गोश्त भूनता है तब साथ में ये देखिए मेरे डंठन सिस्टर ने लादा से करके रखे, इनको भी धो लेते हैं। मसाला अच्छे से भूनिए, कितना अच्छा भूनिए मसाला। अब इसमें ये डंठन डाल दूंगा, इस तरह से सारे डंठन डालने के बाद थोड़ा सा भून लूंगा उसको। थोड़ी देर डंठल को हम कवर अप करेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो, जरा सी देर में इसको लादा से कवर अप करूंगा क्योंकि ये सख्त रह जाते हैं। तब तक देखिए चिकन भी आया, चिकन को धो लेते हैं। वाली साहब ऑफिस से आते हुए चिकन ले आए, खूब सारा चिकन वॉश करते हैं।
तीसरी है ना जी, तीसरी है। थोड़ा सा और पानी लगाओ और इसको हम रख देंगे दम पे। ठीक है, वापिस आ जाते ढिकन धो लेंगे। बहुत तेज है गर्मी में, हाँ वैसे हो जाए ना अच्छे से। जैसे आपकी कौन सी रोटी होती है? मेरी वो जो जिसके दरमियान में अड्डी होती है, चेस्ट वाली है ना। और आपकी वही एक पीस भी अच्छा, हाँ वही भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगता है, या वो वाली या फिर ये जो आपने हाथ में खाई। पर मुझे वही अच्छा लगता है।
कभी कभी तो नड़िया भी अच्छी लग रही होती है। हाँ नड़ी भी अच्छी है, नड़ी का ज्यादा टेस्टी है। ये वाली बहुत जी जी ये मुझे बहुत पसंद है, दूध का एक पोर्शन बहुत टेस्टी लगता है। हाँ बहुत अच्छा होता है। ये वाली सिस्टर बहुत प्यारी थी जिसके दरमियान में रहती है, इसका जायका मछली की तरह आता है। हाँ बहुत मजे का लगता है ना। ये सारा पानी स्टेन होता रहेगा फिर सिस्टर इसे ना फ्रिज में रख दो। देखा और इधर हमारी फूल गोभी भी तैयार हो रही है, देखिए दम पे रखती है हल्की से, इसे एक चम्मच चला देते ये खुद ही भाप में पक लीजिए। गिलते हरा धनिया डालेगा फिर बताओ, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिर्चे साबुत भी डालूंगा एक दो को कट कर डाल देंगे। ठीक है जा रही है, आज जा रही है फिर बहुत बस फूल गोभी को भूनेंगे बाकी सब तो पक्का हो गया है ना। चलो धनिया का
क्या खुशबू आ रही है। हरा धनिया फूलगोभी इस तरह से खड़ी खड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर ने बहुत अच्छी काटी थी, इसी तरह से होगी तो अच्छी बनेगी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल मलीदा हो जाए तो वो खाने का इतना मजा नहीं आता। खाने का मजा आता है पर प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। मुझे वैसे ज्यादा गाय गली नहीं पसंद है। मुझे भी नहीं सिस्टर। क्या हुआ? क्या खूबसूरत फूल गोभी बनी है माशाल्लाह। शक्ल ही कह रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। देखिए क्या प्यारी बनी है फूल गोभी। चलिए फूल गोभी है डन 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 करते फ्लेम को ऑफ। हाँ पहले अदरक लहसुन तो देखिए अदरक मैंने बीच में भी पीस कर डाली है पर मैं थोड़ी सी ऊपर से जुलेन करके डालूंगा। जुलेन का मतलब होता है कि लंबाई में कटी हुई पतली अदरक। बहुत ज्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि फिर घर वालों के मुंह में आएगी, वो फिर कहेंगे हमें टेस्ट इतना अच्छा लगता। इस तरह से थोड़ी सी अदरक ऊपर से डाल देंगे। ये <नो गुप। laughs> समझे? हाँ, अदरक बन फूलगोभी और बकरे का गोश्त। फूलगोभी और बकरे का गोश्त बहुत मजेदार तैयार है। अब कुछ खीरे काट लेते जब खाएंगे डिनर में, तब अभी से खाएंगे। अभी काट के फ्रिज में रखते हैं। अच्छा ठीक, फिर आप मिलोगे। मम्मा भी कह रही ठंडी ठंडी आवाज चल रही है। सैलड बनाओ कि सिर्फ खीरे काटो? खीरे काट के गोल गोल कर दो। थैंक यू भाई, लव यू।
तो देखिए फ्रेंड्स, मजेदार सा डिनर तैयार है। बस जब सबको भूख लगेगी फिर डालेंगे रोटी। दिखाओ, फूलगोभी और गोश्त, बकरे का गोश्त तैयार है, साथ में सैलड। सैलड खाएंगे पहले या फिर बाद में खाएंगे या फिर साथ खाएंगे, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या है? मैंगोज, काफी सारे मैंगोज। क्या लाए हैं पापा जी? बटर लाए हैं, बटर, बटर एंड टमाटोज। अच्छा, दिखाओ बटर। बटर फ्रीजर में रखते थे। नोर बोर। सही दिखाओ ना। कोलगेट पेस्ट। ब्यूटी सॉप दिखाओ सही करके, कौन कौन सा है? लाइव बाय, डेटॉल, लाइव बाय। यम्मी यम्मी। चीनी, काफी सारी चीनी। नए कूलर खरीदे हैं, दिखाओ नए कूलर। दो लिए, दो कूलर लिए हैं और तोरिया वेजिटेबल। गैस चलाई थी, बंद हो गई भाई? नहीं, नहीं बंद। मैं दोबारा जला देता हूँ आपके लिए। चलो रोटियां डाल दो। सबसे पहले अपन घी खोल लेते। देखिए इस तरह से घी खोल लेंगे। देखिए घी का पैकेट इस तरह से आजकल पैकेट ला रहे हैं। घी का पैकेट लाते हैं, डब्बे में डाल लेते हैं और घी के बनाऊंगा पराठे। सारे खाएंगे ना पराठे? जी भाई, सब पराठे। पूछ लो मुझे, ठीक है? ठीक है, मैं पूछ लेती। पापा पराठा खाओगे? पराठा खाओगे? पराठा, पापा पराठा खाओगे? ठीक। बस बस ला।
दिखाओ कि ये दिखाओ बेटा कितना खूबसूरत है ना। बैंगन बहुत मजे के आपकी तारीफ कर रही है, टिफिन लेके गए थे पापा तो फिर उधर दिए तो लोगों ने बहुत पसंद किया, वाकई में बहुत मजे के बनाए थे भाई आपने। इतना मैंने झगड़ा किया इससे पैकेट से है ना, अब बना लो ना इसके लिए दिखाओ। तो से रखते हैं बनाते जाते हैं। आटा और भी मैंने गुंदा है, टेंशन नॉट। ये ताजा गुंदा था सुबह? जी वो भी मैंने कल रात को गुंदा था। जिस तरह से मेरी वालदा साहब पराठे बनाती है उसी तरह से स्कूल जाने से पहले हमने बहुत पराठे खाए थे। जी जी स्कूल जाने से पहले वालदा साहिबा सुबह सुबह पराठा जो बना के देती थी उसकी तो खुशबू ही और बहुत मजा। जो पराठा होता है ना वो पतला नहीं होता, थोड़ा मोटा मोटा होता है। हम लोग मेट्रो में गए थे ना शॉपिंग करके आए, मेट्रो से लाए ना चीजें, आम लाए हैं, इसके अलावा टूथपेस्ट लाए हैं, साबुन लाए हैं, चीनी लाए हैं, दो कूलर लाए हैं, चीनी लाए हैं और सब्जी में तोरी लाए हैं, आफ्टर शेव भी लाए, टमाटर लाए हैं, आफ्टर शेव वाली सामने अपने लिए है, बेकी सॉप काफी सारी लाए हैं, ये चीजें खत्म की और सिस्टर ने बताई और वाली सब्जी तोरी भी लाया था, तोरी लाए हैं ना, टमाटर टमाटर और उसके अलावा कुछ सेल वगैरह लाए, रिमोट सेल और घड़ी ना।
जी चीनी का छोटा लफाफा वहीं पड़ा है पीछे। अच्छा पापा जी निकाल दी तो पूरा सब रखा दिया। अच्छा पापा को रोटी चाहिए और मामा को। चलो जी वाली साहब को सर्व करो फिर आप जो है ना वालदा साहब को भी सर्व करो। चलो सर्व करो ना साहब साहब के जाओ। जी मैं वाली साहिब वालदा साहिबा को दे रही हूँ और अब मेरी और आपकी बारी आज जिनेंद्र भाई जिम चले गए हैं। जी वो जिम जा रहे हैं। कुरकुरा सा पराठा खाओगी? कुरकुरा दे दो अच्छा सो। ये देखे फ्रेंड्स मेरा भाई बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है। अब मक्खन भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत हैवी है। ये थोड़ा सा आटा और ला दो। अच्छा भाई तो देखिए फ्रेंड्स मजेदार गर्मा गर्म पराठे बन के तैयार हैं। वाली साहब और वालदा साहिबा को तो सर्व भी कर दिया गया खाना। भाई जुनेद को भी सिस्टर ने सर्व कर दिया। तो देखिए अब गोभी गोश्त में सर्व करता हूँ। दिखाओ गोभी गोश्त देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। क्या भर भर के बोटी है। मेरा और सिस्टर का एक खाना रह गया हम दोनों खाएंगे बैठ के अभी मिलके। देखिए कैसे खड़ी खड़ी गोभी है। ये फूल गोभी साथ में परांठे साथ में कोल्ड ड्रिंक है पीक एप्पल जूस है साथ में ये कल के भिगारे बैंगन है जिनकी बहुत सारी तारीफ हुई थी।
तो फ्रेंड देखें हमारा डिनर तैयार है, पराठे हैं मजेदार से, गोभी गोश्त है, गोभी और बकरे का गोश्त है, साथ में खीरा काटा हुआ है। ये कल के भगारे बैंगन है। भगारे बैंगन का असूल ही ये है कि आज बनाएं तो फिर कल खाएं, ज्यादा टेस्टी लगते हैं, मजेदार लगते हैं। और इनको ठंडा ही सर्व किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता है, जैसे कड़ी ठंडी सर्व की जाती है। भगारे बैंगन है, साथ में बिग एप्पल जूस है, तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखे पराठा दिखाओ कितना अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखिए किस तरह से लेड वाला है, यानी के लेड है इसकी। और मैं भगारी बैंगन टेस्ट करता हूँ। ये कल बनाए थे और आज फिर खाए जा रहे हैं, कल भी खाए थे। देखिए खूब सारा मसाला है इस पर, मजबूत बहुत मजेदार है। अब मैं फुल गोभी टेस्ट करता हूँ, बताओ। कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा डिनर बन के तैयार है, बहुत मजेदार बने। फ्रेंड्स आप सब भी आए हमारे साथ डिनर करें। और फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, कमेंट जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।